होती जा रही है, इसमें नए नए हथियार शामिल होते जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खुशखबरी हमारे देश के लिए सामने आ गई है। जी हाँ, अब हमारी भारतीय नौसेना में INS वागीर को शामिल कर लिया गया है, जो अब तक की सभी सबमरीन से बहुत बेहतर है। इस सबमरीन के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल punjabkesari.com को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका punjabkesari.com में। मैं हूं आपके साथ उदेश मंगल। आपको बता दें कि INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी क्लास की ये पांचवी सबमरीन है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में INS वागीर को नौसेना में कमीशन किया गया। नौसेना ने कहा है कि INS वागीर दुनिया के बेहतरीन सेंसर और टॉर्पीडो और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इन पनडुब्बी में विशेष अभियानों के लिए समुद्री कमांडो को लॉन्च करने की भी क्षमता है। हिंदू महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। बता दें कि INS वागीर पूरी तरह से भारत में बनी है, यानी मेड इन इंडिया है। इसे फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इस सबमरीन की खासियत ये है कि इस सबमरीन को एंटी सबमरीन युद्ध, खुफिया सूचना जुटाने, समुद्र में बारूद सुरंग बिछाने और सर्विलांस के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर खासियत की बात करें तो डीजल इलेक्ट्रॉनिक क्लास की सबमरीन INS वागीर समुद्र में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ये सबमरीन समुद्र की सतह पर एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। तो समुद्र में भीतर ये सबमरीन एक बार में 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। INS वागीर समुद्र में अधिकतर 350 मीटर की गहराई तक जा सकती है और लगातार 50 दिन तक समुद्र के भीतर रह सकती है। ये बेहद खामोशी से अपने मिशन को अंजाम देती है, इसलिए यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये सबमरीन स्टील तकनीक से लैस है, जिसके चलते रडार भी आसानी से इसे पकड़ नहीं पाते। इस सबमरीन में 533 mm के 8 टॉर्पीडो ट्यूब है, जिनमें मिसाइलें लोड की जा सकती है। ये सबमरीन समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने का भी काम कर सकती है, जिसकी वजह से ये दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी खूबियों को देखते हुए इसे सैंड शार्क के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू महासागर में बढ़ती चीन की चुनौती से निपटने के लिए ये सबमरीन अहम साबित हो सकती है। भारतीय नौसेना के इस नए हथियार के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए punjabkesari.com के साथ।